यस आपको सही दिख रहा है, चाय बन रही है। और मैंने सोचा कि साथ साथ चाय बनाते बनाते मैं आपको एक सीक्रेट बताऊंगी जो मैंने आज तक किसी को नहीं बताया। चाय अभी उबल रही है, मेरे को पानी। सो द सीक्रेट जो मैं आपको बताना चाहती हूँ, जो मैं आपको बताऊंगी आज कि मैंने कौन सा बिजनेस चालू किया था और वो कैसे फेल हुआ, किन रीजंस के कारण फेल हुआ, ये सब मैं आपको बताऊंगी। सो स्टे ट्यून्ड। चाय अब हमारे कप में डल रही है। एक्चुअली द टॉपिक इज रिलेटेड टू चाय, सो मैंने सोचा चाय बनाते बनाते शेयर करती हूँ। सो जो बिज़नेस मैंने गाइस चालू किया था वो था चाय का बिज़नेस। मैं अभी आपको फ़ोटोज़ दिखाऊंगी, ज़्यादा मेरे पास है नहीं बट 3-4 मुझे मिल गए, मैं दिखाती हूँ उसको। तो वो कितने बजट में चालू हुआ था मैंने, मतलब मेरे को 2 साल पहले, विच इज़ 2021 अक्टूबर, हाँ अक्टूबर में मेरे को आइडिया आया और मैंने बिना सोचे समझे मैंने कहा मम्मी करना है। मम्मी वो लाइक मम्मी हमेशा मेरे को सपोर्ट करती है। तो उसमें मेरे पास 25,000 रुपये थे शायद टोटल, और 25,000 का मैंने वो पूरा सेट स्टार्टअप किया था। तो चाय का बिजनेस था और उसका हमने नाम रखा था चैंपियंस टी। यार मैंने पता नहीं कितनी चाय बनानी सीख ली थी, मतलब ईरानी चाय, ब्लैक टी, ये टी, वो टी, ईरानी चाय, मतलब वो काफ़ी टाइम लग के उसको रिजने को हिंदी में क्या कहते हैं यार, मेरी हिंदी एक तो रिजना मतलब कुछ होता है, रिजना मतलब जैसे उबलने दो होता है ना, वही रिजना होता है शायद। तो फिर उसको रिजने दो मतलब 20-25 मिनट तक भी मम्मी मेरे को सुनाती थी इतनी देर क्यों, बट वो ईरानी चाय होती थी, उसको बहुत देर रिजने देना। और फिर कुछ मैं करती थी, अलग अलग तरह की चाय मैं ट्राई कर रही थी। तो बड़ा मैंने एक्सपेरिमेंट किया था उन दिनों, भी मेरे को चाय तो बनानी आ गई। सो चैम्पियंस टी जो था उसको हमने चालू किया 25,000 के अंदर हमने रेंट पे शॉप ली, सब कुछ किया, और दीवारों पे हमने पेंटिंग भी मेरी बहन ने थोड़ी सी की थी, केटल वगैरह बनाई, बहुत सुंदर बनी थी। सो वो क्या हुआ उसके बाद, मतलब वो महीना भी नहीं चला, क्यों फेल हुआ अब मैं वो बताती हूँ। मैं फिर हमारी फेडरेशन से कॉल आया कि आप वर्ल्ड चैम्पियनशिप खेलना चाहते हो, तो ऑब्वियसली मैंने कहा हाँ। तो फिर मेरा जो बिज़नेस पे ध्यान था, सबसे पहले बिज़नेस में क्या होता है, आपको वहाँ पे प्रेजेंट होना पड़ेगा और कंसिस्टेंसीज की, एक दो दिन में तो कुछ नहीं होएगा। तो हमारे पास ऑर्डर पहले दिन से आने लग गए थे, अराउंड 10 ऑर्डर आ जाते थे डेली के स्टार्टिंग में। तो मेरे को वर्ल्ड चैम्पियनशिप का एकदम से पता लगा कि जाना है, फिर मैंने वापस ट्रेनिंग चालू की, तो मैं वहाँ जाना मेरा बंद हो गया। सो नंबर वन मिस्टेक जो हमने की वो थी कि लोकेशन जो थी, सो जो लोकेशन थी वो हमने एक सस्ता देख के ना, एक सस्ता देख के हमने वो लोकेशन जो थी एक नॉर्मल जगह पे, मतलब थोड़ा अंदर को मार्केट प्लेस पे नहीं ली, जो नंबर वन मिस्टेक थी। नंबर टू जो हमारी मिस्टेक थी, हमने कोई वर्कर नहीं हायर किया था बिकॉज़ हम लो बजट थे, मतलब मैंने बताया 25,000 में चालू किया था। सो हमने सोचा कि थोड़ा चलेगी देन वी विल हायर अ वर्कर, लेकिन वो ऐसी मार्केट है उसमें आप तो डिलीवरी करने नहीं जा सकते ना, और लोग चाहते हैं कि वो आप उनकी शॉप पे जा कर करो, मतलब उनको डिलीवर कर दो शाम के टाइम या सुबह जो भी होता है। सो हमारे पास वर्कर भी नहीं था और सडनली मेरे को ये काम पड़ गया, तो मैं ट्रेनिंग में बिज़ी हो गई, अब मैं वहाँ पर वो शॉप खोल नहीं सकती थी, और मम्मी बेचारी यार सुबह शाम क्या काम करें। और सो हाँ, बेसिकली किसी भी बिज़नेस को चलाने के लिए कंसिस्टेंसी इसकी, मतलब आपको 4-5-6 महीने के लिए रेडी रहना पड़ेगा कि हाँ जी आपका 6 महीने तक आपके पास बजट है, सब कुछ है, तब धीरे धीरे आपका बिज़नेस ग्रो करता है। हमने क्या किया, इन माई केस हमारा क्या हुआ कि मतलब मोटा मोटा 10 दिन के अंदर मेरे को कॉल आ गई और मैं अपनी वर्ल्ड चैम्पियनशिप की तैयारी के लिए चली गई, और उसके बाद फिर मैं शॉप पे ध्यान नहीं दे पाई। एंड देन अब कोई जा ही नहीं पा रहा था, तो हमारी शॉप 10-15 दिन बाद फिर हम उसको बंद रखने लग गए, मतलब कोई टाइम ही नहीं था हमारे पास, फिर वो बंद हो गया। और वो सारा सामान जितना मैंने बड़ी मेहनत से सब सामान इकट्ठा किया था और सब कुछ किया था ये सोच के कि अच्छा बिज़नेस चालू करेंगे। तो या दैट वाज द सीक्रेट बिजनेस, और बिजनेस नहीं कहेंगे, सीक्रेट स्टार्टअप जो फेल हो गया। सो मेरे पैसे लॉस में गए, और ऐसा कोई दुख नहीं है मेरे को, बट हाँ थोड़ा ध्यान से किया होता, मतलब अच्छी लोकेशन और वर्कर वगैरह रख के किया होता थोड़ा प्लानिंग के साथ ना,
तो वो अच्छा चलता, बट हाँ चलो लाइफ अप्स एंड डाउन्स चलते रहते हैं. तो माई सीक्रेट इज़ रिवील्ड एंड या दीज आर द मिस्टेक्स एंड द लेसन आई लर्न्ड. और मुझे आई होप कि आप लोगों ने इससे कुछ सीखा हो. आई होप यू लाइक माई कॉन्टेंट, और अगर पसंद आ रहा है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब. बाय.